सिवान शहर में जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए एक सामाजिक जागरूकता अभियान कार्यक्रम की तरफ न्यूज इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है कि कैसे कोरोना से बचाव करें। इसी क्रम में न्यूज इंडिया तक अलग अलग डॉक्टरों से मिल रहा है। आज हमारे टीम के संवाददाता मेराज आलम ने डॉक्टर गोरख प्रसाद से मिलकर इस पर बातचीत की। भारत सरकार के द्वारा लाए गए कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार से स्थितियां सामने आती गई हैं, विशेष करके हेल्थ और हाइजीन को लेकर के हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हम सिवान जिले के उस विद्वान डॉक्टर से मुलाकात कर रहे हैं जिनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान है, डॉक्टर गोरख प्रसाद जी से। और आइए जानते हैं, डॉक्टर गोरख प्रसाद से जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यहाँ आने वाले मरीजों को और उनके परिजनों को किस तरह से सचेत किया जा रहा है ताकि जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग का वो कहीं ना कहीं धरातल पर इसका अनुपालन होता जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आप लोग का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत जी जी सर, आपके अस्पताल में किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बरकरार रहे? अब हम लोग इसका ख्याल रख रहे हैं पूरा डिस्टेंस, मैंने सोशल डिस्टेंस को देके कि जो भी आदमी आए अपना एक एक करके आए। हम लोग सबसे पहले नीचे सैनिटाइजर रखे हैं कि भाई अपना हाथ साफ कर ले, पैर धो ले और उसके बाद हॉस्पिटल में प्रवेश करें मास्क लगा के आए, टोपी पहन के आए, ग्लोव्स हम लोग दे रहे हैं ताकि वो बात मैंने पवन पवन के आए, एक एक करके देख रहे हैं, इसी टाइप से पालन कर रहे हैं। डॉक्टर गोरख प्रसाद जी से बातचीत हो रही है। बीएसडी हॉस्पिटल में भारत सरकार के गाइडलाइन का धरातल पर 100% अनुपालन हो रहा है और इस गाइडलाइन को सफल बनाने में लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप इसका अनुपालन करें तभी जाकर के वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर गोरख प्रसाद से जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी को देखते हुए इनको क्या अनुभूति हुई है? जब शुरू में लॉकडाउन हुआ तो हम लोग तो खाना बंटवाए थे स्टेशन पर जहाँ था, मैंने सब कुछ असुविधा को देखते हुए जी। और हम पब्लिक से भी ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग इस महामारी को रोकने में हम लोग का सहयोग करें जी। और आप लोग इसको स्वच्छ रह के पालन करें, यही मेरी अपील रहेगी जी। जब साहब जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन में जब लोगों की परेशानियां बढ़ गई थी तो उस वक्त जिला के बहुत सारे समाज सेवा करने वाले डॉक्टरों ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया, उसमें डॉक्टर गोरख प्रसाद का भी नाम आता है। आप बताए कि स्थिति कैसी थी, उसे देखते हुए क्या लगा कि कितना मतलब जो है इंसानियत कष्ट में है? उस वक्त तो अंदाजा ही नहीं लग रहा था कि आदमी कितना कष्ट में है, क्योंकि जो जहाँ था वहीं पे ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के बाद जो कुछ भी था कुछ डर से, वास्तविकता तो यही थी कि भारत सरकार का जो भी निकला लॉकडाउन का उसको पालन करना था। उस स्थिति में दुकान सब बंद हो गई, सामान नहीं मिल पा रहा था, यही असुविधा होते गई। उस असुविधा को हम लोग देखते हुए हुआ कि ना इस चीज को किया जाए और वही फिर हम लोग कराए, भोजन का वितरण कराए, कहीं अनाज दिलवाए, कहीं कुछ। लेकिन ये महामारी तो वास्तव में है ही और इसको हम लोग पालन करें जी, जब तक है तब तक पालन करें जी। हम जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस का जो लक्षण है, और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि जो लक्षण है जैसे कि खांसी होना और बुखार तेज होना, छींकना बार बार, तो चूंकि अभी मौसम बदल रहा है तो किस तरह वो अंतर कर सकते हैं कि क्या ये वायरल डिजीज है या मतलब कोरोना वायरस उन्हें पकड़ लिया, क्या इसका कोई इसका अभी तो मैंने एक्चुअली में कोई मैंने संवैधानिक चीज नहीं निकला है कि क्या इसको मैंने डेफिनेटली कर देती है कोरोना का लक्षण। आदमी इसमें डर जा रहे हैं कि ना मैंने हो सकता है कि हमको कोरोना हो गया, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है जैसे खांसी। अभी क्लाइमेट चेंज है तो खांसी बुखार हल्का फुल्का ही आम बात है, लेकिन इसमें भी आदमी बहुत ज्यादा डर जा रहे हैं। इतना डरने और घबराने की जरूरत नहीं, अगर खांसी बुखार हो गया तो आप दवा ले, सलाह ले, हॉस्पिटल में जाके गर्म पानी पिए, चाय पिए, ठीक ना अपना हाथ साफ सुथरा रखें, अपना पैर कहीं से आ रहे हैं तो पूरा मैंने मास्क पहन के जाए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी। न्यूज इंडिया तक के द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक जन जागरूकता स्वास्थ्य से संबंधित विशेष अभियान का व्यापक प्रभाव दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ धरातल पर 100% सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला है।
बहुत सारे लोग कोरोना वैश्विक महामारी से काफी दहशत में थे, लेकिन जिले के सुविख्यात चिकित्सकों ने कहीं न कहीं उनका हौसला अफजाई किया है, उन्हें प्रोत्साहित किया है, प्रेरित किया है कि सर्दी खांसी बुखार इससे तुरंत ये न समझ जाएं कि कोरोना वायरस का लक्षण है। जांच के बाद ही पुष्टि हो पाती है कि कोरोना वायरस का ये लक्षण है या नहीं है। डॉक्टर गोरख प्रसाद जी ने न्यूज इंडिया तक के व्यूअर से इन्होंने अपील किया है कि आप संयम और समझदारी का परिचय देते हुए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ें। डॉक्टर साहब, बीएसटी हॉस्पिटल की बात हो रही है तो आप बताएं कि यहाँ जो व्यवस्था आप दे रहे हैं उस व्यवस्था से कितना संतुष्ट है, क्योंकि कोरोना वायरस का कहीं ना कहीं जो है डायरेक्ट जो है असर दिखाई दे रहा है। जी, इसका मैंने हम व्यवस्था तो शुरू से लॉकडाउन में भी हम लोग को मैंने प्रशासन के ओर से मिला था कि नहीं सब हॉस्पिटल को बंद नहीं रखना है, इसको नियमित और काफी सोशल डिस्टेंस को लेते हुए इसका पालन करना है। हम लोग वो भी किए, आज भी कर रहे हैं, हर आदमी को बताते हैं कि नहीं आप लोग मैंने कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाते रहे, खुद को मैंने चूंकि हॉस्पिटल है, मान लीजिए किसी तरह का कोई पेशेंट आ गया, हम जब तक जांच नहीं कराएंगे नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है कितना आदमी को ये चीज मिल जाए, इसको देखते हुए सबको बताते हैं कि नहीं आप लोग कम से कम इस चीज का ख्याल रखें। जी, अब चलते चलते डॉक्टर गोरख प्रसाद जी से जानते हैं कि बदलते हुए मौसम में होने वाली जो बीमारियां हैं, सर्दी खांसी और अचानक बुखार का आना, इस तरह का संक्रमण जब होता है तो कहीं ना कहीं वर्तमान जो समय से लोग गुजर रहे हैं वो तुरंत जो है कहीं ना कहीं दहशत में आ जाते हैं और उनकी मानसिकता ग्रसित हो जाती है कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना का ये सिम्टम हो या लक्षण उनके अंदर जो है प्रवेश कर रहा हो। डॉक्टर साहब, कुछ संदेश दें ताकि लोगों की जो मतलब मानसिकता है उसमें परिवर्तन आ सके। नहीं नहीं, हम यही संदेश देना चाहेंगे, चूंकि पहले भी होते आया है, फाइलेरिया में भी फीवर होता है, अभी जो बरसात का मौसम है इसमें बुखार सर्दी खांसी हल्की खांसी ये सब आना मैंने आम लक्षण है, इसको डायरेक्ट ये न समझ ले कि ना हमको ये कोरोना का ही लक्षण है, इसको मैंने हल्के में लेके और सुझाव ले कहीं ना कहीं किसी न किसी पीएससी पर जाके इसका सुझाव ले कि हमको इस टाइप का हो रहा है, तो खुद ही हम लोग बता देंगे कि ना ये चीज नहीं है, जिस चीज के मैंने चलते आप दहशत में ये चीज नहीं सच है, ठीक है, मनोबल बनाकर मनोबल बना के रहे। ये थे सिवान जिले के जाने माने सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद, जो कोरोना वैश्विक महामारी के बाद उत्पन्न समस्या के विषय में विस्तार से अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, साथ ही साथ मेडिकल ओपिनियन भी हमारे व्यूवर्स को दे रहे थे। आशा करते हैं कि डॉक्टर गोरख प्रसाद के द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव से न्यूज इंडिया तक के व्यूवर्स निश्चित रूप से जागरूक हो जाएंगे और कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो मानसिकता में दहशत दिखाई दे रहा है उससे निजात मिल पाएगी।